ये वर्दी उनको फ्री मिलता है जो आप रात दिन मोदी 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 करते रहते हैं ना झंडा लेके। अदानी बोला कि आप लोग को जो जमीन ले रहे हैं हम लोग बच्चा बुतरू को सबको रोजगार देंगी। हम लोग गरीब है, किस तरह से बाल बच्चा को पढ़ाया लिखाया है वो अदानी जानता है। हम लोग घर नहीं बना है, बाल बच्चा के पढ़ाने में चक्कर में चौताल पर धन सुखा रहे हैं। बच्चा बुतरू पढ़ लिख कर भटक रहा है गली गली। पहले आया कंपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें कि हम ये देंगे आपको वो देंगे, कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर हर चीज का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे मेरा बोरिंग था, घर बना हुआ था, बोला कि आपको घर का पैसा देंगे, बोरिंग का पैसा देंगे। इस तरह से प्रलोभन दे करके हम लोग उसको बोला कि ठीक है आप लोग दीजिए हम लोग करेंगे। बीच में पिताजी चले गए तो अब तो मजबूरन क्या करते, जमीन देना पड़ा। कितने लोगों का जमीन गया? लगभग 100 आदमी का गया सर, लेकिन उसमें से सबको तोड़ दिया, सबको फोड़ दिया, सबको मतलब लोभ लालच इतना दिया सर। जमीन का रेट भी कम कर दिया सुना? जमीन का रेट वही 49 लाख प्रति एकड़ ऐसे इधर से दिया है। जमीन की ओरिजिनल कीमत कितनी थी? 1 करोड़ रुपया मतलब प्रति एकड़ बोला था, लेकिन पता नहीं इसको 3 बार कर दिया, कभी 12 लाख, कोई 24 लाख, कोई 48 लाख, 49 लाख, इसको मतलब 3 भाग कर दिया। टोटल कितनी जमीन गई आपकी? 3.46 एकड़। ऐसे 2 एकड़ से जिसको ज्यादा जमीन है उसका बोला का अडानी होगा, लेकिन सब आशा देता है लेकिन निराशा लास्ट में निराशा मिलता है। आप क्या करके खाइएगा? जमीन तो आप ले लिया, किसी का जाएगा तो थरिया चौका करने के लिए, किसी द्वार पर जाएंगे भीख मांगने के लिए, कौन देगा एक मुट्ठी भीख? मेरे गांव में अभी 90% आदमी जो कि अच्छा सोच अच्छा माइंड पढ़ने वाला है वो आदमी सब बैठा हुआ घर पे। नौकरी किसको मिल रहा है? नेताओं के लोग को नौकरी मिल रहा है जो कि जिसको अंदर पावर है। जैसे हम लोग का 2017 में जब अधिग्रहण हुआ तो उस टाइम बोला था कि सबको जॉब मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, यहाँ का जो इतना लोकल है सबको 75% मिलेगा नौकरी। उसके बाद नौकरी मिला नहीं, तब फिर बोला कि आप लोग को मैट्रिक इंटर जो भी है इसके अलावे आपको अप्रेंटिस जैसे स्किल इंडिया करना पड़ेगा। 1 साल स्किल इंडिया किए, उसके बाद फिर बोला कि नहीं ITI करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिशियन फिटर जिसका जो जो ट्रेड था वो 2 साल फिर इलेक्ट्रिशियन किए, उसके बाद नहीं फिर बोला कि नहीं अप्रेंटिस करना पड़ेगा, फिर अडानी में अप्रेंटिस करवाया। उसके बाद जब अप्रेंटिस 1 साल पूरा गया तब बोलता है कि नहीं अब BTEC रहेगा तब करेंगे, तो तुम्हारा नौकरी अडानी में होगा। BSc कर चुके हैं तो पेट चलाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। रोजगार की श्रेणी इतनी नीचे गिर गई है कि हमें अडानी में एक लेबर के तौर पे काम करना पड़ रहा है। ये वर्दी जो आप देख रहे हैं ना ऐसे ही नहीं मिला, ये 5.5 लाख देने के बाद मिलता है। ये वर्दी उनको फ्री मिलता है जो आप रात दिन मोदी 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 करते रहते हैं ना झंडा लेके। अडानी के अंदर में कम से कम 20,100 लीटर डेली पानी बर्बाद कर रहा है। अगर वो पानी अगर किसान को दिया जाता है किसान का जो है जिंदगी सुधर जाएगा। 8 बजे जाएंगे, 6 बजे आएंगे, उसके बाद हम लोग को सैलरी में क्या मिलेगा? 320 रुपया सैलरी है हम लोग का। 320 रुपया में क्या आप घर चला सकिएगा? बिजली बांग्लादेश जाता है ढाका, और हम लोगों को कुछ भी बिजली नहीं मिला, ना पानी का सुविधा मिला, ना रोड मिला, ना शिक्षा मिला, ना स्वास्थ्य मिला, कुछ नहीं मिला। एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन और ये वाटर पोल्यूशन, ये तीनों मिला के जो आसपास के जो नहर के सटे बस्ती हैं उसको काफ़ी प्रकार की बीमारियां देखी गई। हम लोग को जो कंपनी के अंदर में जो मास्क दिया जाता है बोलता है 1 महीना चलाओ, ये मास्क में क्या है जो 1 महीना चलेगा? हम 2 साल ड्यूटी किए और पोल्यूशन जब बढ़ता गया तो उसमें तुमको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है भाई, मेरा परेशानी बढ़ना शुरू हो गया। फिर हम डॉक्टर को दिखाए तो बोल दिया कि तुम्हारा जो है तुम डस्ट में रहे हो, नहा सक रहे हो, उस डस्ट के चलते तुमको ये हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। BJP पूंजीपतियों का सरकार है, वो गरीबों का सरकार नहीं है। न्याय यात्रा का जो मुहिम चलाया जा रहा है राहुल गांधी जी के द्वारा ये बहुत अच्छा है। मैं उनसे यही कहूँगा हम लोग जो कठिनाई से गुजर रहे हैं उससे हम लोग का जो है ठीक ठाक रहे,
ताकि हम लोग सुखी संपन्न जिंदगी जिए और वो हमारे इसमें हेल्प करें हमको। मोदी सरकार सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आस्ते 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 मार कर एक ही नेम प्लेट लगाना चाहती है भाइयों बहनों, अदानी। कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। बीजेपी के लोगों से मैं कहता हूँ, कर लो जो करना है, अदानी का नाम नहीं लगेगा, हम नहीं लगने देंगे।